क्या आपका हेयर लॉस 10th या 11th क्लास से स्टार्ट हो गया था? आपके पूरे हेड पर बाल तो हैं, पर डेंसिटी बहुत कम है और बाल पतले भी हो गए हैं। डोनर एरिया में भी गैप दिखता है और आपने काफी ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया है पर कोई भी ट्रीटमेंट असरदार नहीं हुआ। क्या आपको पता है कि आपको हेयर लॉस की कौन सी बीमारी है? आपको है डुपा यानी डिफ्यूज अनपैटर्न्ड एलोपेशिया। क्या है डुपा, ये बीमारी कितनी बुरी है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और डिफ्यूज पैटर्न एलोपेशिया और डिफ्यूज अनपैटर्न्ड एलोपेशिया में क्या फर्क है, और क्या ये बीमारी सिर्फ मेल में होता है या फीमेल में भी होता है? हाय, आई एम डॉक्टर अशोक सिन्हा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एक्सपर्ट एंड इनोवेटर, एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक चैनल एड ऑन हेयर केयर। Edon Clinic and Edon Hair Care India, better and advanced hair transplant, best PRP, better and innovative hair treatment provide karti hai. Clinic and its team is equipped with best instruments for PRP, best transplant techniques like direct non-shaven FUE and long hair FUE, and India's best hair treatment like Edoncidil Finstrong 2.5x solution and Growdense hair serum. Visit our website www.edonhaircare.com for all hair related products. Edon Hair Care do tarah se consultation provide karta hai. Free WhatsApp consultation or paid online consultation. व्हाट्सएप कंसल्टेशन के लिए आप हेड इमेजेस भेजेंगे तो हमारी टीम आपकी कंडीशन को समझकर बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी, या आप सीधे डॉक्टर्स के साथ डायरेक्ट ऑनलाइन वीडियो या वॉइस कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, विच विल बी ऑन चार्जेबल बेसिस। प्लीज सब्सक्राइब टू एड ऑन हेयर केयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन इफ यू डोंट वांट टू मिस ऑन द बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट। इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है, अब वो हेयर मेडिसिन डायरेक्ट www.addonhaircare.com से परचेज कर सकते हैं। सारा सिस्टम इंटीग्रेट हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कंट्री का अपना कस्टम ड्यूटी होता है, जो किसी कंट्री में फ्री होता है और किसी में चार्जेबल। सो वो कस्टम ड्यूटी उन्हें अपने कंट्री में पे करना पड़ेगा। डुपा या डिफ्यूज अनपैटर्न्ड एलोपेशिया हेयर लॉस की एक ऐसी बीमारी है जो काफी कम एज में स्टार्ट हो जाता है। हेयर लॉस का प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है। हालांकि डुपा में कोई भी एरिया कंप्लीट बॉल्ड नहीं होता है, पर पूरे हेड की डेंसिटी कम हो जाती है। इवन डोनर एरिया भी स्टेबल या परमानेंट नहीं होता है और डोनर एरिया में भी गैप दिखता है। इसमें बॉल्डनेस टिपिकल नॉर्मल ग्रेड के जैसा नहीं होता है, मतलब इसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 जैसा कुछ भी नहीं होता है। डुपा मेल या फीमेल दोनों में ही देखा जाता है। फीमेल में चाइल्ड बर्थ और मेनोपॉज के बाद ज्यादा देखने को मिलता है। पहले आपने डिफ्यूज हेयर लॉस के बारे में सुना होगा, जिसे डिफ्यूज पैटर्न एलोपेशिया भी कहा जाता है, जबकि अभी मैं बात कर रहा हूं डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया के बारे में। क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी डिफ्यूज हेयर लॉस या डिफ्यूज पैटर्न एलोपेशिया और डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया या डुपा में? डिफ्यूज पैटर्न एलोपेशिया मेल पैटर्न बॉल्डनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि डुपा एक कंप्लीटली अलग बीमारी है। डिफ्यूज पैटर्न एलोपेशिया में डोनर एरिया डैमेज नहीं होता है, जबकि डुपा में सर के सारे बाल डैमेज हो जाते हैं, चाहे वो साइड के बाल हो या डोनर एरिया का। डिफ्यूज पैटर्न एलोपेशिया में ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, जबकि डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया में मोस्ट ऑफ पेशेंट्स में ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता है। डुपा होता क्यों है? डुपा हेरिडिटरी स्ट्रेस, एंजाइटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ऑटोइम्यून डिजीज, थायराइड, आयरन डेफिशिएंसी इत्यादि के कारण होता है। ऐसा माना जाता है कि डुपा वैसे पेशेंट्स में होता है जिनको पहले से हेयर का जेनेटिक हेयर लॉस होने की आशंका है, और अगर ऐसे पेशेंट्स को बार बार पानी चेंज करना पड़ रहा है, उनको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, बार बार प्लेस चेंज करना पड़ रहा है, लंबे समय के लिए कोई बीमारी या स्ट्रेस हो रहा है, और अगर ऐसे पेशेंट्स में क्रोनिक टिलोजेनिक फ्लूबियम हो जाए, तो ऐसे पेशेंट्स में डुपा की कंडीशन डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट क्या है डुपा का? डुपा लगभग 6% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। डुपा एक डिफिकल्ट कंडीशन है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के दोनों के हिसाब से। कई हेयर ट्रांसप्लांट के फेल होने के पीछे डुपा का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई डॉक्टर से डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं। डुपा का ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट है और सारे पेशेंट्स में इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। किसी किसी पेशेंट्स में तो कुछ भी काम नहीं करता है, ना मिनोक्सिडिल, ना फिनेस्ट्राइड, ना पीआरपी, कुछ भी नहीं। ऐसे पेशेंट्स को सावधान रहना चाहिए। जल्दी या जबरदस्ती या कुछ कम नॉलेज वाले हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक ऐसे पेशेंट को ट्रांसप्लांट सजेस्ट कर देते हैं, पर ऐसे पेशेंट में ट्रांसप्लांट भी इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि डोनर एरिया ही स्टेबल नहीं होता है। फिर ऐसे पेशेंट्स करें क्या? किसी अच्छे स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें जिनको इस बीमारी के बारे में पता है। ऐसे पेशेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यह समझना कि हेयर लॉस किस कारण से हो रहा है और उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। पॉसिबल ट्रीटमेंट जो हेल्प कर सकता है वो है मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड, पीआरपी, लेजर थेरेपी।
डूपा के पेशेंट्स को काफी एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। डूपा के पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए क्योंकि उनका डोनर एरिया भी स्टेबल नहीं होता है। डूपा के जिन पेशेंट्स ने सब कुछ ट्राई कर लिया है या जिनको लगता है कि डूपा है, वो हमें कॉन्टेक्ट करें, हम उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब एडोन इंडिया में स्ट्रॉन्ग मेडिसिन एडोसिल्फिनस्ट्रॉन्ग 2.5x ग्रोडेंस और बेस्ट पीआरपी से इक्विप्ड है। एडोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन तो शायद ही आपको कहीं मिले। क्या पता कुछ डूपा के पेशेंट्स का फायदा हो ही जाए और उनकी जिंदगी बेहतर बन जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू एडोन हेयर केयर फॉर बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया।